ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, करौली के हिंडौन सिटी से है, जहां गुर्जर आरक्षण मसले पर लेटेस्ट अपडेट आया है। 1 नवंबर से बयाना के पीलूपुरा में अब गुर्जर आंदोलन प्रस्तावित किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर एक बार फिर से क्षेत्र की इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बाधित किया गया। आज रात्रि 12 बजे से इस क्षेत्र की इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। लीज लाइन और ब्रॉडबैंड सेवा भी यहां चालू रहेगी। करौली भरतपुर जिले की इंटरनेट सेवा को इस पूरे मसले को देखते हुए बंद किया गया है। गुर्जर आंदोलन चेतावनी के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट, और साथ ही बता दें जिले में अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश भी निरस्त कर दिए गए। अधिकारियों के मुख्यालय छोड़ने पर भी खास तौर पर पाबंदी लगाई गई। अधिकारी गुर्जर नेताओं से सीधे तौर पर संपर्क साधे हुए हैं। आगामी रणनीति जानने की भी पूरी तरह से कवायद चल रही है। गुर्जर समाज ने 1 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी दी थी, और इसी को देखते हुए ये पूरे इंतजाम किए गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता करौली से मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, चूंकि गुर्जर समाज ने पहले ही 1 नवंबर को आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, क्या इसी को देखते हुए ये पूरी तरह से जो है सुरक्षा के लिहाज से इंटरनेट सेवा को बाधित किया गया, क्या कुछ अपडेट है? चाहूंगा आज बीती रात आधी रात से इंटरनेट सेवा जिले में बंद कर दी गई है। हालांकि सपोटरा और मंडरायल का क्षेत्र जो है वो इससे दूर रखा गया है, वहाँ इंटरनेट सेवा सुचारू रहेगी। जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पे जो ब्रॉडबैंड और लीज लाइन है वो सुविधाएं चालू रहेंगी। इसके अलावा सभी मोबाइल प्रदाता कंपनी है उनकी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसका प्रमुख तौर पर कारण जो बताया जा रहा है वो बल्क में ग्रुप में मैसेज एक साथ नहीं जाए, उन पर रोकथाम या अफवाह फैलने से रोकथाम के लिए प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। इसके अलावा बताना चाहूंगा जो अधिकारी है उनके कर्मचारी है उनके अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं और मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी लगाई गई है। और इसके अलावा एक बात करें तो जहां से भी निकलने के इलाके हैं वहां पर चौकियां स्थापित की जाएंगी और एरिया मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए जाएंगे हर एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए। जी मनोज, जिस तरह से आपने बताया कि रात्रि 12 बजे से इस पूरे क्षेत्र की इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई, लेकिन क्या लीज लाइन और ब्रॉडबैंड बैंड जो सेवा है वो चालू है? और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले को देखते हुए अधिकारियों की अवकाश भी निरस्त कर दिए गए, और क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस मामले को लेकर अपना बयान दिया है कि वो इस पूरे मामले को कड़ी निगरानी रख रहे हैं? जी बिल्कुल, कलेक्टर सिद्धार्थ सहाग का कहना है कि पूरे मामले में राज्य सरकार के अनुसार निगरानी रखी जा रही है और हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। सावधानी और सतर्कता के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। इसके अलावा जिले के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके अवकाश निरस्त किए हैं, साथ ही उनके मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी लगाई है। वहीं चौकियां स्थापित करने और मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कवायद भी चल रही है। जी मनोज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।